measurement and motion. Good morning. Today I am going to explain the chapter measurement and motion, and this comes into the physics part. Standard 6, please. The measurement and motion comes in the physics part in biology. So this is the physics portion. So now today I am going to explain transportation. What do you mean by transportation? Moving people from the way of moving people and things from one place to another, कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना? आवागमन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना. तो पहले ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की कोई जगह नहीं होती थी. मतलब उस तरह से कोई डीजल पेट्रोल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो गाड़ी वगैरह नहीं होती थी. तो लोग क्या करते थे, जनरली डोंकीज, हॉर्सेस और कैमल्स पे सारा सामान लादते थे और एक जगह से दूसरे जगह इन सर्च ऑफ फूड या अपने बिजनेस के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह इस एनिमल का इंतज़ाम करते थे. द डिस्कवरी ऑफ द व्हील लेड टू द, लेकिन जैसे ही पहियों का आविष्कार हुआ, व्हील का इन्वेंशन हो, तब उन लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें व्हील लगा रहे और वो तेज़ी से भागे. तो इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद से एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो पहिए में बांध दिए जाते थे और बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और इस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाता था. इसके ज़रिए वो लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन करते थे. व्हेन एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट, ह्यूमन फाउंड दैट ट्रांसपोर्ट वाज फास्टर. तो जब व्हील का आविष्कार हो गया तो उन लोगों को लगा कि ये कुछ फास्ट होगा, जैसे कि अब सिंपल एनिमल्स को दौड़ाते थे, उससे ज़्यादा वो व्हील में उसके बनिस्बत वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगा. बोट्स वर यूज टू ट्रेवल, और राफ्टिंग और बोट्स, ये आपको पानी में ट्रांसपोर्ट करता था. तो ये आपको सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको एनिमल्स से ही होते थे, घोड़ा गाड़ी से, घोड़ा से, कैमल से, ऊँट से. लेकिन धीरे धीरे इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद से ये बढ़ती गई. फिर आपको स्टीम इंजन का, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया. तो जब और ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट फास्टर हो गया, उसी तरह से फिर ट्रेन्स और शिप्स आई, और फिर जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बनने लगी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को मच फास्टर और कम टाइम में पहुंचाने लगी. धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको पेट्रोल और डीजल का भी अवश्य निकाला गया, ये इन्वेंशन हुआ. तो जब इनके बात हुआ तो क्या गाड़ियां बनने लगी, कार बनने लगे, ट्रक और एरोप्लेन्स वगैरह बनने लगे. फिर आपको एयरक्राफ्ट बनने लगा, स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए, वो 20th century में आविष्कार हुआ. माने धीरे धीरे, कहने का मतलब जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, जैसे जैसे समय आता था, उसी के हिसाब से लोगों ने अपना ट्रांसपोर्टेशन बदला, और फास्टर से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसके लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए. और आज आप देख लीजिए कि ये कितना राइज हो गया है. हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी कुछ ही घंटों, कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं. तो यही हुआ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एक बल्क कार्ट है, फिर धीरे धीरे आपको स्टीम इंजन आया, ट्रेन आया, प्लेन आया, और आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में आपको कम समय में आप काफ़ी दूर दूर तक, दूर की कितने किलोमीटर ट्रैवल आ रहा आप इजीली कर सकते हैं. तो ये फिजिक्स का पार्ट है, और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना, हिस्ट्री है, एक तरह की हिस्ट्री है. फिर हम लोग इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, एसआई यूनिट्स क्या होता है, फिर हम लोग किस तरह से मेज़रमेंट कितना हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ अगर हम लोग मेज़रमेंट की हम लोग नहीं कर सकते, अगर आप कोई चीज़ भी बाज़ार से ख़रीदने जाओ तो उसके पास भी मेज़रमेंट यूनिट होता है, बीम बैलेंस होता है, फिर तराजू होता है. तो ये बिना उसके आप एक टेलर के पास जाओ, वो बिना मेज़रमेंट के आपके कपड़े नहीं लेगा. मैंने हर जगह, एक सुनार की दुकान में जाओ कहीं भी, तो वो आपको बिना मेज़रमेंट के वो कोई भी काम नहीं करेगा. तो मेज़रमेंट का भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक सब्ज़ी वाले के पास जाइए तो वो भी आपको सब्ज़ी भी तौल के देगा. दूध वाले के पास जाइए, वो घर भी तो एक किलो दूध, दो किलो दूध, उसका एक, उसके पास एक मेज़रिंग सिलेंडर होता है, वो उसी से नाप के देता है. और आपको एग्ज़ाम में भी देखिए मेज़रमेंट, आपको 10 मिनट्स में ऐसे लिखना है, आपको हाफ आवर में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मैंने एक लिमिट पीरियड होता है. और जो आदमी उस लिमिट पीरियड के अंदर सारा वर्क कर लेता है वो जीत गया, और जो नहीं करता है वो लेट हो गया. उस ज़माने के साथ साथ चलना है, और हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का सोचना है. लेंथ, वेट,
वॉल्यूम टाइम स्पीड एंड टेम्परेचर्स आर सम क्वांटिटीज़। तो इसी तरह से बहुत सारे यूनिट होती हैं, आप लंबाई वेट इसी का आयतन कितना है, समय स्पीड टेम्परेचर, ये सब ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं। तो जिसे एक टर्म देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि नापी जा सके उसे हम लोग उसका फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है, तो ये फिज़िक्स का पार्ट है, इसे आप लोग पढ़िए और इसे रीडिंग डालिए, इसे समझिए, क्योंकि जो आदमी फिज़िक्स में कमांड हासिल कर लेता है, मैथ में कमांड हासिल, दे कैन, वो IIT आसानी से निकाल लेता है। तो आप लोगों को ये सब इस चैप्टर में बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्टैंडर्ड यूनिट्स आएगा, एक्यूरेट मेज़रमेंट क्या होता है, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट, ये सब कुछ आगे बताया जाएगा। तो अभी आप लोग फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द वे ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन है एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं उसे, उसकी फिजिकल क्वांटिटी, वो देखने में क्या है। क्वांटिटी क्वालिटी दो चीज़ होती है, एक तो क्वालिटी कितनी, एक क्वांटिटी वो कितना है, ये एक किलो है, हाफ आधा किलो है, वन लीटर है, एक ग्राम है, 50 ग्राम है, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी, है ना। और क्वालिटी उसका क्वालिटी क्या है, वो चीप क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का है, वो उसका दूसरी चीज़ है। तो ये हो गया क्वांटिटी। तो दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स।